शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लखनऊ में भेंट कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह कहा गया कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मैनपुरी और इटावा में प्रदेश बीजेपी के 50 से अधिक मंत्री, पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर पिछले 10 दिनों से मैनपुरी लोकसभा की सभी 5 विधानसभाओं में लोगों के बीच जाकर खुलेआम बड़े पैमाने पर पैसा, शराब और साड़ियां बांटकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर मूक दर्शक बने रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस बल हटाने और शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई किए जाने और दोषियों को दंडित करने की मांग की है, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हो सके। खबर रामपुर से है, जहां एसपी के नेता आजम खान के खिलाफ शहर कोतवाली में अब एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ ये शिकायत भी आपत्तिजनक बयान देने के मामले में की गई है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को किले के मैदान में अखिलेश यादव की एक जनसभा थी और इस जनसभा में आजम खान भी शामिल हुए थे। इस दौरान आजम ने अभद्र बयान दिया था। आजम खान पर यह आरोप है कि उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि तुम कम हो, वर्दियां ज्यादा हैं, वाहरे मेरे देश के चलाने वाले मुबारक हो, इलेक्शन कमिश्नर आप यहां आ जाओ, दे दो जीत का सर्टिफिकेट, एमएलए का हम ताली बजाएंगे। बता दें आपको कि इससे पहले 29 नवंबर को आजम खान के ऊपर महिलाओं ने केस दर्ज कराया था। भाषण देते समय आजम खान ने यह कहा था कि जो मेरे और हमारे देश, हमारे लोगों के साथ हो रहा है, उसका इंतकाम लेने के लिए जरूर पैदा होगा, भले मैं उस दिन रहूं या ना रहूं, लेकिन आप तो रहोगे। रामपुर से हमारे संवाददाता तमकीन फैयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमकीन, 2 दिन में एक और केस आजम खान के ऊपर बताया जा रहा है कि दर्ज हुआ है। आजम खान हमेशा से अपने आपत्तिजनक बयानों में फंसते आए हैं और एक बार फिर से उनका ये बयान उनके लिए भारी पड़ गया। देखिए, ये 2 दिन के अंदर ये दूसरी FIR है और ये जो FIR दर्ज कराई है वो प्रभारी वीडियो निगरानी टीम है जो चुनाव आयोग ने नियुक्त कर रखी है सभी जनसभाओं की और जो चुनाव की कार्रवाइयां चल रही हैं उपचुनाव में, चुनाव प्रचार से रिलेटेड उनको रिकॉर्ड करते हैं चुनाव आयोग की ओर से। सुदेश कुमार सागर ये इसके इंचार्ज हैं। इन्होंने एक FIR दर्ज कराई है थाना कोतवाली में आजम खान के खिलाफ, धारा 153A, 505A, 505A(b), 125 ये मामला दर्ज कराया गया। बेहद गंभीर धाराएं हैं ये और इसमें सीधे तौर पे जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि आजम खान ने जो अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और जनसभा की थी जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और काफी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद से लगातार उसके ऊपर आपत्ति आ रही थी। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि आजम खान को अभी 27 अक्टूबर को रामपुर के ही एक न्यायालय ने हेट स्पीच के मामले में, अभद्र भाषा बोलने के मामले में 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी और जिसके चलते उनकी विधानसभा की सीट जो है वो रद्द कर दी गई, विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और वो अब उसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है और वो अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे। तो ये तमाम चीज है, ये पहले भी उनके न केवल ये के सदस्यता रद्द हुई, उसके अलावा इनकी वोटिंग राइट भी जो है वो बिल्कुल तमकीन। और देखिए, बड़ी बात यही है कि इनकी विधायकी की सदस्यता भी रद्द हुई और उसके बाद इस तरह की बयानबाजियां ये दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है आम बात हो गई है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि इन पर इतने सारे मामले दर्ज होते हैं, उसके बाद भी इस तरह की बयानबाजियां ये लगातार देते रहते हैं। कि पहले भी 90 से अधिक मामले इनके ऊपर, आजम खान के ऊपर दर्ज हैं और इसमें जो अदालत के अंदर विचाराधीन हैं और तमाम मुकदमों में उनके ऊपर गवाहियां हो रही हैं, सबूत पेश किए जा रहे हैं,
पहले मामले में ये जो मैंने आपको बताया कि 27 अक्टूबर को एक जो न्यायालय ने फैसला सुनाया और उसमें हमको 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी और इसके अलावा जुर्माना भी किया था, और क्योंकि 2 वर्ष या उससे अधिक सजा होने पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सदस्यता रद्द कराए जाने का नियम है, इसके चलते इनकी सदस्यता जाती रही और ये उपचुनाव भी इसी वजह से हो रहा है रामपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में कि आजम खान की जो सदस्यता रद्द हुई है अब वहीं पर उपचुनाव हो रहा है। और एक बार फिर वो जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उपचुनाव के प्रचार में, अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं असीम राजा उनके समर्थन में वो सवाल खड़े कर रहा है और ये लग रहा है कि आजम खान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा या बिल्कुल भी वो इन पे ध्यान नहीं दे रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका तमकीन जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको लगता है पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया प्रदेश के खिलाफ उसका मैसेज पूरे प्रदेश में इसका मैसेज कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना? यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है, ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस